नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। दिल्ली के सरकारी स्कूलों को लेकर के अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान ऐसे समय पर आया है जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद जो है सरकारी स्कूल को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने तस्वीर जारी की और दिखाया कि आखिरकार दिल्ली का सरकारी स्कूल कैसा है, शिक्षा व्यवस्था में क्या सुधार आया है और क्या कमी आई है। तो चलिए इस खास रिपोर्ट को देखिए और ये सुनिए कि आखिरकार जो अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे थे। जो बेहद सक्सेसफुल रहा स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सेलेंस, जिसमें बच्चों को स्पेशल सब्जेक्ट्स के अंदर नौवीं क्लास से तैयार किया जाता है। जैसा भी बताया गया कि अभी दिल्ली में शायद 23 ऐसे स्कूल हैं, 37 जिसमें सारी स्ट्रेंथ मिला के 4400 सीट हैं और उन 4400 सीटों के लिए 92,000 एप्लीकेशंस आई हैं। सोच सकते हो आप, इतनी लाइन तो डीपीएस और मॉडर्न स्कूल में भी नहीं लगती जितनी आपके स्कूल में एडमिशन के लिए लाइन लगी पड़ी है। सो इतना शानदार स्कूल है, 92,000 एप्लीकेशंस आई हैं आपके स्कूल में एडमिशन लेने के लिए, और अगर आपको एडमिशन मिल जाए इस स्कूल के अंदर तो बहुत भाग्य है आपके कि आपको इसमें एडमिशन मिला। मैं बेहद खुश हूं कि आज इस स्कूल का उद्घाटन किया जा रहा है और इतना आलीशान स्कूल है। अभी जब मैं आया तो कुछ लोगों ने मेरा विरोध किया वहां पे गेट के ऊपर। मैं उनको कहना चाहता हूं, आपके भी बच्चों को पढ़ाएंगे हम यहाँ पे। आप विरोध क्यों कर रहे हो? ये कोई आम आदमी पार्टी वालों के बच्चों का थोड़ी स्कूल है, यहाँ बीजेपी वालों के भी बच्चे पढ़ेंगे, यहाँ कांग्रेस वालों के भी बच्चे पढ़ेंगे। केजरीवाल का बयान आपने सुना है, दिल्ली के सरकारी स्कूल की तस्वीर दिखाते हुए उन्होंने अपनी तरफ से बयान जारी किया। क्या आपको लगता है क्या उनके इस बयान के बाद जो है मनीष सिसोदिया के समर्थन में जनता उतरेगी या नहीं, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट।